जी मैं राजू पांडे और इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। 2 करोड़ नौकरी हर साल आना देने का वादा जिन्होंने किया था, वो 2 करोड़ नौकरी हर साल लेने का काम कर रहे हैं। खेतवा तक खाई गई ला सड़वा, बेचा बंद भइल जब से पड़वा, खेतवा तक खाई गई ला सड़वा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। हमारी चुनावी रेलगाड़ी अभी आज सतीश चंद मिश्रा जी आए हुए हैं, यहां पे बसपा की रैली है। हम लोग से जानेंगे इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस पर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से जनता को, पूरे देश को दिखाने का प्रयास किए हैं सर। और वो क्या मुद्दा होगा आपके समाज का कि हमको इसी वोट देना? सर, हमारे समाज का नहीं सर, समाज का मुद्दा है कि हमको 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में गुंडे माफिया सारे लोग जेल में रहते हैं और बाकी सर समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। सर समाज का विकास होता है, सर समाज के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है। बसपा सरकार में 24 जन कल्याणकारी योजनाएं चली थी, जैसे घर में आपकी भी अगर कोई, अगर आज बहन जी सरकार होती, अगर आपकी पहली पुत्री पैदा होती तो बहन जी के शासनकाल में उनको 1 लाख का चेक मिलता था कि जब वो 18 साल की बेटी हो जाएगी तो 1 लाख उनको एक मुफ्त। ऐसी योजनाएं बहन जी लाई थी समाज के लिए। आरोप ये लगते हैं कि बहन जी आती हैं कि मूर्तियां बनाने लगती हैं, इस तरह के जो पैसों का फिजूल खर्ची करती हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं आपका दिल से धन्यवाद पुनः देता हूँ कि बहन जी ने समथिंग सब बताते हैं 400-500 करोड़ रुपए में लखनऊ का पार्क बनवाया, ठीक है, पैसा मूर्तियों में बांध दिया। वो पार्क आज हमें कितना राजस्व दे रहा है ये भी आप पता लगाने की कोशिश करिए। सरकार से सवाल पूछिए कि बहन जी को गए हुए 10 साल हो गए, 10 साल में आपने 10 साल में आपने कितना इनकम किया, ये आप सरकार से सवाल करिए कि आपको कितना राजस्व का फायदा हुआ। दूसरी बात, 6000 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी जी माननीय और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगाते हैं तो आप लोग सवाल नहीं करते हैं, आप भी उसके लिए भी सवाल करिए। आप बताइए, योगी जी के कार्यकाल से आप खुश नहीं है तो क्या क्या बुराइयां दिखती है आप उसमें? क्या हम मेरी पर्सनल बात कर रहे हैं कि जनता की बात कर रहे हैं? हाँ, आप ऐसे जनता है ना, जनता है, जनता की अगर बात कर रहे हैं तो भाई जनता में मैं भी हूँ, पूरी जनता उनसे त्राई माम कहे बदे खेतवा तक खाई गई ला सड़वा, बेचा बंद भइल जब से पड़वा, खेतवा तक खाई गई ला सड़वा। अब इससे ज्यादा क्या बताएं भैया, बताओ मैं। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट का पेपर हो रहा है, एक दिन पहले नोटिस आ गई कैंसिल, टेट का पेपर दे रहे हैं, 30 मिनट के बाद सूचना आती है कि पेपर कैंसिल। इतना पैसा बच्चों से ले रहे हो, 1-2 साल से लॉकडाउन, आर्थिक मंदी, नौकरियां गई, कंपनियां बंद, प्राइवेटाइजेशन चालू, निजीकरण, तामा झामा, सब क्या है देश कहाँ से कहाँ, कौन सा विश्व गुरु बन गए? बोले तो 2022 तक भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। 2022 आने में कितना दिन बचा है? आज 22 तारीख है, आप जोड़ लीजिए कितना दिन बचा है, विश्व गुरु कहाँ है हमारा देश? सरकार तो कहती है नौकरियां दे रहे हैं, झूठ बोल रही है सरकार, कहाँ दे रही है? आपको भी दी होंगी, अगर आप बताइए। मैं तो पूछने आया हूँ, उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, छीन लिए देने की बात नहीं छोड़ी। क्या नाम भैया? अरविंद कुमार। इस बार क्या मुद्दे होंगे, क्या है चुनाव माहौल? इस बार देखे बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा होगा कि इस प्रदेश से गुंडा राज खत्म है, देश जो प्रदेश में महंगाई है। योगी जी भी तो बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, क्या गुंडा राज नहीं खत्म हो रहा है? नहीं, योगी जी तो जो कर रहे हैं, जो निजी जैसे अयोध्या वासियों को बुलडोजर लेकर गिरा करके वो अपना निजी छत्र बना रहे हैं, जिससे वहाँ की जनता भाजपा से परेशान है। क्या नाम है अंकल जी? श्याम नारायण गौतम। क्या है माहौल इस बार चुनाव का? बहन जी आएंगी? 100% आएंगी, 100% आएंगी लग रहा है। लग नहीं रहा है, पूरा देश जब प्रदेश जानता है, देख रहा है अपने आज की भीड़, जो स्थिति है, जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुई है सरकार के माध्यम, उसको देखते हुए पूरा प्रदेश जो है त्राही त्राही कर रहा है। निश्चित तौर पर बसपा गवर्नमेंट बनेगी 100%। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? बहन जी आएंगे। हाँ, बहन जी आएंगे, बहन जी सरकार। मुद्दे क्या होंगे? बहुजन समाज पार्टी का कोई अलग से मुद्दा नहीं होता है, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। बहुजन समाज पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश और समाज की संरचना, कोई अलग से कोई मैनिफेस्टो बसपा का नहीं होता है। देश की अमन शांति, शिक्षा, विकास, सारी चीजें बसपा,
नौकरी वोकरी नहीं मिल रही सरकार को? नहीं मिल तो नहीं रही, लेकिन ले तो रही है सरकार। क्या ले रही? नौकरी। अच्छा, 2 करोड़ नौकरी हर साल में देने का वादा जिन्होंने किया था, वो 2 करोड़ नौकरी हर साल लेने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सभी संस्थाओं को प्राइवेट में किया जा रहा है, इसका क्या मतलब? इससे देश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा? तो कहते हैं इससे भला हो जाएगा, कहते हैं देश का भला हो जाएगा। जो मूर्ख होंगे वो कहेंगे देश का भला होगा, जो मूर्ख होंगे कहेंगे देश का भला अच्छी मिलेगी, कहते हैं कि सुविधाएं आपको अच्छी मिलेंगी। अरे 5 साल प्रदेश में रही है सरकार बीजेपी की, 5 साल में क्या सुविधाएं मिली पूरा प्रदेश जान रहा है। न्यूज चैनल वाले सुविधाएं मिली, बलात्कार, हत्या, लूट, न्यूज चैनल डकैती, अत्याचार, और सबसे बड़ी चीज कुछ भी दुराभाव। क्या क्या माहौल है इस बार? देखिए हमारे पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हमारी है बहुजन समाज पार्टी, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा हमारा संविधान है, हमारी सरकार बनेगी, संविधान में जो कुछ जो है मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी गई हैं, संविधान सरकार बनने पे संविधान की सभी धाराएं लागू होंगी और सर्व समाज का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। और तो इस बार बहन जी की सरकार आएगी, आप लोग आश्वस्त है पूरी तरह? जी, मैं राजू पांडे, और इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुका है। कितनी महंगाई बढ़ रही है? महंगाई दुगना हो गया है, सब परेशान है, पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है। और इस बार 325 सीट लगेगी, 325 सीट। मुद्दा क्या होंगे, क्या मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? मुद्दा देखिए, पहला मुद्दा है महंगाई, महंगाई जो कि, और दूसरे मुद्दा है कि हमारे नौजवान भाई सभी लोग, कोई नौकरी चाकरी है नहीं, सब लोग बेकार बैठे हुए हैं, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार बहुत है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार बहन जी की सरकार बनाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर। बीजेपी खिलाएगी कमल या SP की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता? क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।